नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के रण में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा में बाजी मारते हुए कांग्रेस और भाजपा की तुलना में पहले अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 24 विधानसभा सीटों से नामों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को पहले ही चेहरा घोषित कर दिया था और अब पिछली घोषणाओं के मुताबिक कोठियाल को गंगोत्री सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने साझा की है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 24 विधानसभाओं के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तराखंड में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें आपके वरिष्ठ नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली को काशीपुर का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रामनगर से शिशुपाल सिंह रावत, कपकोट से भूपेश उपाध्याय, काशीपुर से दीपक बाली, बागेश्वर से बसंत कुमार, भगवानपुर से प्रेम सिंह, अल्मोड़ा से अमित जोशी, राजपुर रोड से डिंपल सिंह, जसपुर से यूनुस चौधरी, सल्ट से सुरेश सिंह बिष्ट, रानीपुर से प्रशांत राय, घनसाली से विजय शाह, मंगलोर से नवनीत राठी, लोहाघाट से राजेश बिष्ट, चंपावत से मदन महल, हल्द्वानी से समित टिक्कू, पौड़ी से मनोहर लाल पहाड़ी, ऋषिकेश से डॉक्टर राजे नेगी, सोमेश्वर से हरिश्चंद आर्या, चौबट्टा खाल से दिग्मोहन नेगी, विकासनगर से प्रवीण बंसल, पिरान कलियर से शादाब आलम, हरिद्वार ग्रामीण से नरेश शर्मा और सितारगंज से अजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।